पंचम की नाक। वास्तव में ही नाम मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। रानी एलिजाबेथ का 400 पौंड का हल्का नीला सूट उसकी नाक और मान सम्मान का प्रतीक है। दर्जी की चिंता उसके नाक की प्रतिष्ठा को प्रकट करती है कि कहीं उसकी सिलाई कढ़ाई रानी के स्तर से नीचे ना रह जाए। अखबारों के नाक की प्रतिष्ठा इस बारों में छापते हैं कि कहीं कोई खबर छपने से ना रह जाए। रानी के इंग्लैंड में रहने वाले कुत्तों की भी फोटो खबर हिंदुस्तान की जनता के अखबारों में दिख जानी चाहिए। सरकार की नाक तभी ऊंची रह सकती है जब सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली टूटी फूटी सड़कें विदेशियों के आगमन के समय जगमगाती हुई दिखाई दें। आंदोलन करने वालों के नाक की ऊंचाई इसी बात पर टिकती है कि वे कुछ और कर सकें या न कर सकें। पत्थर की बनी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक भला क्यों सही सलामत रह जाए? इससे कोई लाभ होगा या हानि होगी? उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक बार निर्णय कर लिया कि मूर्ति की नाक नहीं रहनी चाहिए तो वह नहीं रहेगी। देश के शुभचिंतकों ने एक बार ठान लिया कि मूर्ति की नई नाक लगानी है तो वह लगेगी, क्योंकि यह उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसके लिए चाहे कोई कितना भी धन व्यर्थ कर दे, देश के महान नेताओं की मूर्तियों की नाक हटवाओ या किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगवाओ, मूर्तिकार की नाक इसी में ऊंचाई रहनी थी कि वह किसी भी प्रकार कैसे भी मूर्ति की नाक लगा दे। ऐसा न करने पर उसकी नाक तो दांव पर लग जाती। नाक यहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लेखक ने अपनी व्यंग्य रचना में नाक को मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक मानकर अपनी बात को स्पष्ट किया है कि सबका अहम उन्हें ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। इसी से उनके नाक की ऊंचाई बनी रह सकती है।